फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैं भी आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी ज्वेलरीज फ्रॉम मीशो। तो ये पूरी वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती घीमा आशी, लेके आ गई हूँ आप सबका फेवरेट मीशो हॉल। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी कि कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड करो, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, शादियाँ आने वाली हैं तो हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएंगी, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मीशो से ज्वेलरी हॉल किया जाए। मैंने लास्ट टाइम जब मीशो से ज्वेलरी हॉल किया था बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मेरी ज्वेलरी कलेक्शन में हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा किया जाए, दोबारा मीशो से किया जाए। इस बार ना मैंने काफ़ी कुछ मंगवाया है, ज्वेलरी सेट थोड़े कम मंगवाए क्योंकि मैं दो बार बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी सेट का हॉल कर चुकी हूँ और ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे रखे हैं। मैंने वो चीज़ें मंगवाई जो हर एक टीनेजर लड़की होगी या कुछ मिनिमल ज्वेलरीज चाहिए होती ना, रिंग्स हो गए, मांग टीका हो गया, कानों के हो गए, बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स हो गए, तो मैंने वो मंगवाया है और मुझे बहुत पसंद आया। मेरी मम्मी को भी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कुछ तो मैंने उनके लिए भी मंगवाई है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये टोटल 25 to 27, 24 कुछ इतने पीसेज होने वाले हैं आज, तो देखते हैं कैसी रहती है हमारी वीडियो। बाकी मैं तो सब कुछ देख ही चुकी हूँ इस बार आपसे पहले, तो लाइक आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी बात की जाए आउटफिट की, तो जो अभी मैं ये कोट सेट पहन के बैठी हुई, लाइक कुर्ता और ये पजामा का सेट है। अगर आपने मेरा मीशो वाले हॉल्स आपने सारे देखे होंगे तो उसमें ये था और मैंने इसको पहन के वाला डांस भी करा था, भीगा भीगा है समा। तो ये वही वाला कोट सेट है और आज नवरात्रि का पहला दिन है, मेरा फास्ट है, तो नहा धो के मैंने यही वाला अपना न्यू सा कोट सेट पहन के पूजा वूजा की। मम्मी कहती ये कब लिया है तूने, मैं कहा आपको अब ज़रूरी थोड़ी मेरे सारे कपड़े पता होंगे। तो यस वही बस यही सब चीज़ें मुझे आपसे बोलनी थी। और गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, शायद आप भी ये चीज़ रिलेट कर रहे होगे कि जब से ये पूरा वेदर चेंज हो रहा है ना, समर से विंटर्स आ रही है, भाई तबीयत ही ज़्यादा ठीक हो ही नहीं रही है अभी भी कि मैं शूट करने बैठी हूँ। मैंने पूरा मन बना रखा था, 3 दिन से मैं वीडियो टाल रही थी और आज मैं शूट करने बैठी हूँ, फुल ऑन एक्टिवली मैं रेडी वेडी हुई और अब जब मैं बैठती हूँ ऐसे लाइट आंखों पे पड़ती है, आंखों से पानी निकलने लगता है, वीकनेस फील होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों मेरे साथ हो रहा है। ये तो थी मेरी इतनी सी लाइफ अपडेट। अब चलो बिना बकबक के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस बहुत सारे पैकेट हैं, मैं सोच रही हूँ प्रोडक्ट को पैकेट से बाहर निकाल लेती हूँ, फिर इजीली एक एक प्रोडक्ट दिखाती रहूँगी, आपके लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा, टाइम भी थोड़ा बचेगा और एक एक बॉक्स खोलने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर सीधा सीधा प्रोडक्ट दिखाती रहूँगी। सबकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होकर आई है, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है कि बेकार पैकेजिंग है ऐसे पूरे बॉक्सेस के अंदर आए हुए रख के। तो मैं पहले सारे प्रोडक्ट्स निकाल लेती हूँ। सो पहला पैकेट जो रैंडमली मेरे हाथ में आया, ये पैक ऑफ 8 ईयरिंग्स हैं, ये गोल्ड स्टड ईयरिंग्स हैं। तो ये मुझे 182 रुपीज़ का पड़ा, आप पिक्चर में देख ही सकते हो क्या ये है। ऐसे ये 8 आ रहे थे जो गोल गोल बड़े बड़े, काफ़ी लेडीज स्टड्स पहनती है, वैसे मेरी मम्मी भी खुद भी यही स्टड्स पहनती है, वो हैं। तो ये प्रॉपर ऐसे बॉक्स में आया, आप देखते हैं ये 8 के 8 रहते कैसे हैं। सी आप देखो, ये है ये 8, ठीक है, ऐसे पैकेट में बंद आया। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, मीडियम साइज़ है ना इनका, छोटा साइज़ है ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, मीडियम साइज़ के ही हैं। सी देखो ऐसे ही हैं और ये बहुत सही लग रहे हैं। ये तो एक हो गया, पहली बात तो मेरा टूटा हुआ नेल इग्नोर करना, देखो इतने लंबे लंबे नेल्स में टूट गया, कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इतना बुरा टूटा था ना, इतना दर्द हो रहा है, अब ये ऐसा टुंडा सा है दिखेगा आपको, थोड़े दिनों में ये भी कट कर लूँगी जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो ये देखो ये 8 का पेयर है, इसमें 6 का भी है, 4 का भी है, आपको जौन सा मंगाना है मंगा सकते हो। मुझे 182 के हिसाब से ये 8 का पेयर बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, देखो कलर भी बहुत फाइन हुआ हुआ है और मतलब इनकी शेप और डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी पसंद आए ये, कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इनको गिफ्ट भी दे सकते हो किसी को, सोचो ना 180 में आपको 8 पेयर मिल रहे हैं, आपने किसी को 4-4 करके 2 लोगों को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। बहुत अलग अलग डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोई एक आधा मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ये वाला पहन के भी दिखाती हूँ लग कैसा रहा है, क्या इसका साइज़ है। ये थोड़ा मीडियम साइज़ वाला है, इससे एक साइज़ बड़ा भी है। सी पहनने के बाद ना ये कुछ ऐसा लग रहा है, और दूसरी तरफ थोड़ा ये सबसे बड़ा वाला जो गोल्डन वाला है ना, ये पहन के मैं आपको दिखा देती हूँ। इसलिए मैं अभी कोई भी रिंग कड़ा कुछ भी पहन के नहीं बैठी हूँ, मैं कहा ईजी रहेगा मुझे आप लोग को पहन के दिखाना।
इस तरफ मैंने ये पहना है, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, और इस तरफ मैंने ये पहना है कैसा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, क्वालिटी वाइज भी देखा जाए ना बहुत सही है। तो मेरी तरफ से मतलब इस सेट को तो मैं आपको थम्स अप देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। नेक्स्ट मैंने एक 225 रुपये का सेट मंगाया, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन थे, लेकिन मुझे ये पिकॉक वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये प्रॉपर इस बॉक्स में पैक हो के आया है, और ये है वो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैट गोल्ड टाइप का ये है, और मेरी मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा। ये इस पूरे हॉल में एक ही सेट होने वाला है, जो मतलब मैंने पूरा ऐसे सेट मंगाया प्रॉपर, वरना बाकी सब अलग अलग है, गले का अलग, कान का अलग, नहीं दो सेट और है, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। पहले तो आप देखो इसके ये इयरिंग, क्या ये इयरिंग है इसके, ठीक है, कैसा बना हुआ है, और आप देख सकते हो ये ना ऐसे वन पीस, टू पीस, और ये नीचे लटकन, थ्री पीस, ऐसे सेट है ये, और पीछे से भी आप देख सकते हो कैसा सा है, क्या इसकी क्वालिटी है, सही लग रहा है। 225 रुपए के हिसाब से मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, तो आपको ना लुक समझ आएगा कि ये कैसा लगेगा जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से वियर करूँगी। देखो आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहीं से चुभ भी नहीं रहा है, और मुझे लगता है काफ़ी सुंदर लग रहा होगा। अभी मैं मिरर लेके नहीं बैठी, वरना मैं खुद देख रही होती कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये, और इसके साथ के क्यूट क्यूट से इयरिंग्स काफ़ी अच्छे, 225 रुपए के हिसाब से आप गिफ्ट भी दे सकते हो किसी को। थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, ऐसे ना बहुत हॉच पॉच हो रही है मुझे दिखाने में भी। मैं सोचू जितनी मैंने रिंग्स मंगाई है पहले वो दिखाती हूँ, फिर बैंगल्स फिर इयरिंग्स। तो जो अभी ये मेरी रिंग्स है ना, ये मैं H&M और ज़ारा से पहले बहुत लिया करती थी, और ये बहुत कॉस्टली भी आती थी। ऐसे बहुत सारी गुच्छे में रिंग्स होती हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे एक ही फिंगर में आप तीन तीन रिंग पहन सकते हो, और ये 190 रुपीज़ की काफ़ी सारी AD वाली रिंग्स हैं, ठीक है, और इसमें आपको गोल्ड एंड सिल्वर सब कलर मिल जाएगा। तो मैंने ये गोल्ड की मंगवाई है, ये 189 रुपीज़ की, ऐसे पूरा गुच्छा आया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा वियर करके दिखाती हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे हम इसको पहन सकते हैं। बाकी आप पिक्चर में देख के तो पूरा समझ ही गए होंगे कि कैसे होने वाली है। मेरे भी हाथ में नेल इतने लंबे होते तो ऐसे ही लगती। तो चलो पहले मैं इसको काटती हूँ और इसको वियर करके देखती हूँ। गाइज ये कुछ इतनी भर के आप रिंग्स पहन सकते हो, मतलब आप देखो एक हाथ में मैंने कितनी रिंग्स पहनी है, पांच रिंग्स हैं, ये कुछ ऐसी सी लगेगी, ठीक है, और कम भी पहन सकते हो, मतलब मैं दिखाना चाहूँ, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ऑसम है, और ये बहुत प्यारी रिंग्स हैं। आप चाहो तो एक एक दो दो भी पहन सकते हो, तो बहुत सारी है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो 190 रुपये के हिसाब से आपको इतनी रिंग्स मिल रही हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जिनका भी रिंग्स का कलेक्शन करने का मन है, वो एक ये ख़रीद लो और आपका पूरा रिंग्स का कलेक्शन हो जाएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये, इसलिए मैं इसको थम्स अप देती हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ, हमारी जो नेक्स्ट रिंग है वो 134 रुपीज़ की बहुत बड़ी सी रिंग है, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये बहुत अच्छे से डब्बे में पैक होके आई है, और ये पूरी लाइक एडजस्टेबल रिंग है, आप जितना चाहो आप उतना इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये वो रिंग है, आप पास से देख सकते हो कैसी लग रही है ये रिंग, ठीक है। अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ और इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लूज़ आई है ऑब्वियसली, अभी तो बहुत बड़ी हो रखी है। गॉड, लेकिन ये कितनी प्यारी लग रही है ये रिंग, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, जैसी पिक्चर में दिखाई है एग्जैक्टली वैसी आई है, और काफ़ी अच्छी खासी बड़ी रिंग है। आप चाहो तो जैसे साड़ी के साथ एक सिंगल रिंग पहनते हैं, आप ऐसे पहन सकते हो, कुर्ते के साथ पहन सकते हो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड 134 रुपीज़ के हिसाब से जो इसकी क्वालिटी है ना गाइज, वो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, ज़रूर ले लेना, है बहुत अच्छी है। फिर मुझे याद करोगे जब भी इसको पहनोगे ना, तो कि यार ये क्या रिंग दिखाई है मैंने आप लोगों को। चलो नेक्स्ट रिंग दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी रिंग है वो है ये 117 रुपए की रिंग है, ये भी सेम ऐसे ही एडजस्टेबल रिंग है, आपको दिखेगा कि इसमें से ये छल्ला सा दिया हुआ है डबल, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सामने से देखने में ये रिंग ऐसी है, मैं इसको पहन के दिखाती हूँ और इसको थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे काफ़ी ढीली आ रही है। तो ये रिंग है कुंदन वाले लुक की, ग्रीन कलर की, बीच में रेड नग लगाया है, साइड में मोतियाँ लगी है, और बहुत सुंदर लग रही है। आप पास से देखो कितनी प्यारी ये रिंग है, यहाँ से आपको दिखेगा ये डबल ऐसे करके आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। कुछ कुंदन की ज्वेलरीज आपके पास ऑलरेडी तो होंगी ही, कुछ कान की, कुछ मांग टिका, कई बार क्या होता है गले का कान का होता है, लेकिन ऐसे कुछ रिंग्स में कुछ मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन ये मुझे लगता है परफेक्टली मैच करेगा कुंदन वगैरह के सेट के साथ, और 117 रुपए की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो नेक्स्ट अब रिंग दिखाने वाली हूँ ना, उसमें तो आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा गाइज। AD की रिंग तो हम सबने देखी होंगी, पहनी होंगी, और वो बहुत महंगी भी आती है। यहाँ पे 250 रुपये की तीन रिंग्स मिल रही थी, मैं कहा मेरे हरिद्वार में तो हम लोकल स्टोर पे जाते हैं, 250 रुपये की एक मिलती है फाइन AD वाली, और थोड़ी बड़ी होगी तो उसको 350 की देते हैं। यहाँ 250 रुपये की तीन मिल रही है, और
अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर्स के ऑप्शन आप पिक्चर में देख ही सकते हो। ये मुझे इस पैकेट में रिसीव हुई थी अच्छे खासे बॉक्स में भी। मैं आपको दिखाती हूँ यार, ये इतनी परफेक्ट थी ना गाइस, मैं आपको पहन के ही दिखाती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये एडजस्टेबल है, ठीक है, आपको यहाँ से दिखेगा कि आप इसको यहाँ से ना मोड़ सकते हो, अंदर जगह है तो एडजस्ट हो जाएंगी ये, लेकिन मुझे अभी काफ़ी बड़ी है तो काफ़ी लूज़ है। लेकिन आप देखो कितनी सुंदर ये लग रही है, बहुत फाइन क्वालिटी की ये बनी हुई है, बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। ऐसे ही दूसरी है ग्रीन कलर वाली है, देखो ये कैसी लग रही है। और इसके साथ जो एक और है, ये ऐसे छल्ला टाइप का है, जितना प्रेस करना चाहो प्रेस कर सकते हो, ऐसे पूरे एडी यहाँ पे लगे हुए हैं भर भर के, ये आपके आ जाएगी इधर। मतलब मैंने अभी आपको ऐसे पहन के दिखा दिया जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि ये कितनी सुंदर और कैसी ये रिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। 250 के आपको तीनों रिंग्स ये मिलेंगी, मज़ा आ जाएगा गाइस इसको पहनकर। ये तो मैं आपको लिटरली ऐसे थम में पहन के दिखाऊं तब आपको समझ आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ढीली है, ये आपको ऐसे दिख पाएगी कि ये कैसी रिंग्स है। बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मतलब मम्मी को लिटरली बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने 250 रुपये की तीनों मंगवाई हैं। तो ये तो थम्स अप है, आँख बंद करके ले लो जाके, और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं आपको ना कुछ बैंगल्स दिखाती हूँ। ये रिंग्स तो तीनों मैंने अलग अलग मंगवाई थी कि कुछ गाउन में चल जाए, लहंगे में चल जाए, सूट पे चल जाए, तीनों सुपर्ब है। मैं आपको कुछ बैंगल्स दिखाती हूँ, वो भी देख के आपको मज़ा आ जाएगा। ये वाले बैंगल्स 172 रुपीस के दो हैं और मेरा साइज़ 2-2 है। बहुत पतली मेरी कलाई है तो 2-2 ही आता है, 2-4 मुझे बड़ा हो जाता है, बच्चों वाला साइज़ आता है मुझे बिल्कुल। और ये आप देख सकते हो, ये ऑक्सीडाइज टाइप का जो कलर है ना, उस वाले ये बैंगल्स हैं। और मेरे पास ना ऐसे बैंगल्स थे ही नहीं, अंदर से ये बिल्कुल चिकने हैं, स्मूथ हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और 172 रुपीस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फाइन लग रहा है। आई नो थोड़े सस्ते वाले भी मिल जाते हैं, वो हैं मेरे पास, लेकिन जो ये लुक वाइज है ना, पूरे गुथे हुए भरे हुए, आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। साइज़ भी मुझे परफेक्ट मिला। कई बार मेरे साथ क्या होता है, 2-2 मुझे मिलता ही नहीं था, तो 2-4 में मुझे एडजस्ट करना पड़ता था, वो गिरते रहते थे। अब ये 2-2 भी देखो मुझे यहाँ के रुक जाता है, मतलब मेरे हाथ बहुत पतले हैं तो इसलिए मैं ये पहनूँ, लेकिन कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं बहुत टाइम से ढूंढ भी रही थी कुछ इस कलर के बैंगल्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। थम्स अप, फटाफट ले लो जाके, सब कुछ ले लो जाके। नेक्स्ट भी हमारे ऑक्सीडाइज बैंगल है, ये 164 रुपीज़ के पैक ऑफ 2 हैं, लेकिन ये एडजस्टेबल है, पूरे बंद नहीं है। मेरे पास ना मतलब ऑक्सीडाइज बैंगल्स बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने सोचा दो अलग अलग तरीके के ले लेती हूँ, ठीक है। आपको दिखेगा ये पूरा ऐसे खुल जाता है, और ये ऐसा सा है, यहाँ पे घुंघरू भी लटके हुए हैं, तो आप इसको ईजिली पहन सकते हो। इसमें ना कोई साइज़ वाला चक्कर ही नहीं था, देखो ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं हाथ में पहने हुए भी, और इधर ऐसे पूरा घुंघरू आ जाएगा। एक हाथ में दोनों पहन लो, एक एक में एक पहन लो, बहुत स्मूद है, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइट वेट और बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया ना, एग्जैक्टली सेम ही वैसे ही बैंगल हैं। आप देखो इसके साथ भी अगर मैं पहन के बैठूंगी तो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। थम्स अप, नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारे जो बैंगल्स हैं ना, वो 202 रुपये के बैंगल्स हैं। इसमें काफ़ी सारे साइज़ थे और पूरा ऐसे बॉक्स में ये पैक होके आया है। आप पहले पिक्चर में देखो कैसे कटिंग कुटिंग वाले बैंगल्स दिखा रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही बैंगल आए हैं, ठीक है। पास से देखो आप ये बैंगल, इसमें गोल्डन और ऐसे सिल्वर वर्क हुआ हुआ है, बीच बीच में एडी लगे हुए हैं, ठीक है। अंदर से भी आप देख सकते हो थोड़ा हॉलो है, बिल्कुल प्लेन नहीं है जैसे होते हैं। अब ये साइज़ जो मैंने मंगवाया था ना, ये साइज़ मैंने मम्मी का 2-6 मंगवाया था, तो गाइस ये 2-4 आया है, तो उनको तो ये आ रहे हैं टाइट। मैंने ऐसे ही मंगवा लिया था कि अगर उनको किसी को देना होगा तो वो दे देंगे, लेकिन आप देखो पहने हुए ये कुछ ऐसे लग रहा है, दूर से पहने हुए आप देख सकते हो कैसे लग रहा है, और आप पास से भी इसकी डिटेलिंग्स देख सकते हो कि ये किस तरह के लग रहे हैं। बहुत सही लग रहा है मुझे, 202 रुपये के हिसाब के आपको ये 2 मिलेंगे, 100 रुपये का एक कड़ा। इसमें ना वो स्पार्कल नहीं चिपकी हुई, लिटरली एडी कहाँ से बोल रही हूँ मैं, धीरंस कहाँ से पहुँच गई मैं, दुबई वालों से बात करें तो मुझे लग रहा है धीरंस की बातें कहाँ कर रही हूँ। एडी, इसमें एडी लगा हुआ है, तो या अब खुलेंगे दुबई वाले, काफ़ी फ्रेंड्स दुबई गए हैं यार, तो उनसे बात कर रही थी मैं कि ये कितने एडी का है, कितना क्या सीन है, तो वो एडी यहाँ निकल गया मेरा एडी में। क्या तू हंस क्यों रहा है, ये अलग ही हंस रहा है। सी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसके लिए भी मैं आपको थम्स अप देती हूँ।
नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे बैंगल्स है ना गाइज, आप पिक्चर में देखो, ये कॉपर प्लेटेड कुंदन बीड्स वाला वर्क हुआ है इसमें। ये पैक ऑफ टू है, ये 309 रुपए के पड़े, क्योंकि कुंदन वाले कड़े थोड़े महंगे आते हैं और ये मुझे यहाँ पे भी थोड़े महंगे लगे। इसमें भी 2-6 साइज मैंने मंगवाया था मम्मी को देखे, लेकिन ये 2-6 नहीं आया है। वो कह रही कि मुझे टाइट है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा कुंदन का कड़ा है, ठीक है, बिल्कुल फाइन कॉपर प्लेटेड कुंदन का कड़ा। मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। 300 रुपए के हिसाब से आपको ये कड़ा मिलेगा। अगर आप ढूंढ रहे हो कि हाँ आपको प्रॉपर कुंदन का कड़ा चाहिए, तो ये बिल्कुल अच्छा कड़ा है, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। मुझे और मम्मी दोनों को बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे तो बड़ा है, मम्मी को ये आया नहीं है, तो ये किसी को गिफ्ट विफ्ट दिया जाएगा। बहुत सुंदर कड़ा है, लेकिन 300 रुपए के हिसाब से बहुत प्यारा। थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब पहले ये 2 सेट है ये दिखा देती हूँ, उसके बाद इयरिंग्स दिखाऊंगी। गाइज ये 163 रुपीज़ का है। पहले आप पिक्चर में देखो, इस पर 3 कलर थे, ब्लैक, पर्पल एंड ग्रीन। मैंने ब्लैक एंड ग्रीन दोनों मंगवा लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये 163 रुपीज़ का, मतलब मैंने सोचा 150 रुपये का मिल रहा है, क्या बुरा है, गाउन वगैरह के साथ ऊपर पहन लो और कितनी म्यूज़िक वीडियोस, डांस वीडियोस में यूज़ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने ब्लैक एंड ग्रीन दोनों मंगवाया। ये ऐसे पैकेट में पूरा अच्छे से पैक होके आया है। क्या मतलब क्या आया है गाइज, मतलब इतना सुंदर, दोनों के दोनों ही इतने सुंदर है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं पूरा एक आपको वियर करके दिखाती हूँ, तब आप समझ पाओगे कि ये क्यों इतना सुंदर है। मैंने ब्लैक वाला ऑलरेडी मैं वियर कर चुकी हूँ एक बार खोल के, और मैंने दोबारा उसको पैक कर दिया था, तभी मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था। सी, आप पास से देखो एक बार कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। गाइज दिस इज़ जस्ट फॉर 163 रुपीज़ ओनली। आप पास से देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर प्रिटी लग रहा है। डीसेंट से इसके स्टड्स हैं और इसकी क्वालिटी, इसकी शाइन, वाह, मज़ा आ गया मुझे इसको पहन के। अब आप इमेजिन कर लो, मैंने कोई कॉकटेल है या मैंने कुछ गाउन वाउन पहना हुआ है, उसके ऊपर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या नेक पीस पहने, क्या हम इयररिंग्स पहने। आप इयररिंग्स को सेपरेटली वेयर कर सकते हो, इसको वेयर कर सकते हो, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब मैंने कहा कि मैंने अच्छा मैंने दोनों कलर मंगवा लिए। अब ये ग्रीन कलर भी मैं आपको फटाफट से वेयर करके दिखाती हूँ, आप समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। देखो ये ग्रीन वाला भी कुछ ऐसा लग रहा है। मैं नीचे शूट कर रही हूँ ना, इतनी स्कूटी बाइक जा रही, इतना इरिटेट हो रही हूँ मैं। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा ग्रीन कलर लग रहा है। 163 रुपीज़ का, आँख बंद करके ले लो, मुझे याद करोगे, दुआ दोगे क्या ही बोले जा रही हूँ मैं, दुआएँ दोगे, आशीर्वाद दोगे, सब कुछ दोगे। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ, इयरिंग्स दिखाती हूँ। अब मैं दिखाऊंगी आपको कुछ प्यारी प्यारी सी झुमकीज़। ये सिर्फ 154 रुपीस की, 150 रुपए की झुमकी है, आप पिक्चर में देख सकते हो। इसकी जो क्वालिटी आई है ना गाइस, वो बहुत अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कुंदन वाली है और नीचे से पर्ल्स और मोतियाँ लटकी हुई। आप देखो ये कितनी ज़्यादा प्यारी और सुंदर लग रही हैं। फटाफट से वियर करके भी दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट दिखाऊंगी। सी, आप देख सकते हो इसका साइज़ कितना परफेक्ट है, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। मतलब इस कलर की झुमकियाँ, गोल्डन कलर हो या कुर्ते पे कोई भी वर्क ना हो, सब पे चलती है। अभी देखो मेरे इस कुर्ते पे कोई भी वर्क नहीं, लेकिन मैंने ये झुमकी पहनी है, इस पर बिल्कुल परफेक्टली जा रही है। 150 रुपये की गाइस, बहुत अच्छी है। थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो झुमकी है वो हमारी ऑक्सीडाइज झुमकी है, आप पिक्चर में देख ही सकते हो। 143 रुपीज़ की ये झुमकी है। इसमें ना काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे कि ऊपर आपको अलग कलर मिल जाएगा। मैंने ये ब्लैक कलर मंगाया, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। नीचे ऐसे वाइट मोतियाँ लटकी हुई हैं। मैं फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ, आपको लुक समझ आएगा इसका। देखो ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत लाइट वेट है, क्यूट सी झुमकी है। और कलर मैंने इसका ब्लैक लिया, आप चाहो तो जो भी इसमें रेड और कलर है वो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ब्लैक कलर की बहुत अच्छी लगी। अब आप इमेजिन करो मैंने वही ऑक्सीडाइज बैंगल पहने, ये झुमकी पहनी, तो पूरा एक सेट हो जाएगा ना, तो मैंने ये इसलिए मंगवाया। और 150 रुपये की है, काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी झुमकी है ना, वो 160 रुपीज़ की है, आप पिक्चर में देख सकते हो। और जैसी पिक्चर में दिखाई है ना, आप पिक्चर को देखो और इसको देखो, एग्जैक्टली सेम वैसी ही झुमकी आई है। इसमें ग्रीन और रेड कलर के स्टोन लगे हैं, वाइट मोती लगी है ऊपर, पूरा राउंड है, बहुत लाइट वेट है, बहुत सुंदर लग रही है। फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ एक आपको। देखो ये झुमकी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मतलब ये थोड़ी ना, मैंने ऐसे मंगवा ली थी कि थोड़ी हैवी, कि कुछ कभी कुछ ड्रेसेस पहनी हो, लहंगा पहना हो, कुछ गाउन टाइप की कुर्ती वुर्ती पहनी हो, तो थोड़ी बड़ी ज्वेलरी अच्छी लगती है। प्लेन रेड कलर की साड़ी पहनी हो, उस पर देखो कितनी ज़्यादा
कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बच्चे बाहर बहुत खेल रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, अब शाम हो गई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। आप बताओ आपको कैसी लगी मेरी तरफ से। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे ईयरिंग्स है गाइज, वो 148 रुपीज़ के कुंदन ईयरिंग्स हैं। आप इसमें कलर ऑप्शंस देख सकते हो, येलो, बेबी पिंक, डार्क पिंक, स्काई ब्लू, पर्पल, बहुत सारे कलर, लेकिन मैंने ग्रीन कलर मंगवाया क्योंकि वो कुंदन के ग्रीन से नीचे नीचे ग्रीन मैच हो रहा था। और अगेन 150 रुपये के हैं। देखो ये थोड़े हैवी वेट हैं क्योंकि कुंदन थोड़ा हैवी होता ही है। और देखो ये है ये ईयरिंग्स, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आप इसको ना ऐसा मांग टीका भी बना के पहन सकते हो। ये वाला हैक तो मैंने काफ़ी बार किया है, ऐसा मांग टीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसा ईयरिंग भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। थोड़े से हैवी, मतलब जितने मैंने अभी 2-3 झुमकियाँ पहनी ना उससे हल्के से हैवी, लेकिन इतने हैवी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जौन सा आपको कलर पसंद आया वो मंगा सकते हो, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। चलो मैं नेक्स्ट ईयरिंग्स दिखाती हूँ गाइज। जो हमारे नेक्स्ट ईयरिंग्स है ये 186 रुपीज़ के हैं। काफ़ी फंकी ईयरिंग्स हैं, आप पिक्चर में तो देख ही सकते हो। पहले आप पिक्चर में देखो, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये ईयरिंग है कैसे। जैसे पिक्चर में दिखाए हैं गाइज, ये 186 रुपीज़ के एग्जैक्टली सेम वैसे ही आए हैं। अब आप यहाँ देखो, ये कुछ ऐसे ईयरिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी और सुंदर लग रहे हैं। फटाफट से वियर करके भी दिखाती हूँ। एक तरफ तो आपका ना ये आएगा, ये म्यूज़िक वाला सिंबल जो है ये पूरा मतलब ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी वियर कर सकते हो ऐसा। जो दूसरा आएगा ना वो थोड़ा ऐसे मूवमेंट वाला होगा, ये पूरा फिक्स नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मूव करेगा, ये आपका रहेगा ऐसे। मैंने अभी प्रॉपर वेयर नहीं किया, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। दोनों तरफ अलग रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, किसी भी टॉप, ड्रेस, गाउन सब पे ये जाएंगे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट और डिफरेंट लगे, इसलिए मैंने मंगवा लिए। और इतने कॉस्टली भी नहीं लगे मुझे, जो भी इसका 186 रुपीज़ का प्राइस है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। थम्स अप है इसके लिए भी। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, जो हमारे नेक्स्ट ईयरिंग है ना वो कोरियन पर्ल बटरफ्लाई वाले ईयरिंग्स हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये 128 रुपीज़ को, और एग्जैक्टली सेम ये वैसा ही आया है। और मैं मुझे देख के लग रहा है कि वाओ कितना ज़्यादा सुंदर है ये। आप पहले इसको देखो ये कैसा सा है, ठीक है। अब ये ना हल्का से ऐसे मूव कर रहा था, तो ये ऊपर वाला पार्ट अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग है, देन ये पीछे से ऐसे बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो है इसकी बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाई का पूरा पीस, ठीक है, मतलब बटरफ्लाई। और ये है पीछे इसके विंग्स अलग से, जो इसके विंग्स हैं। अब ये चीज़ इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आप पीछे इसको पहन सकते हो। सी गाइस, ये ना कुछ पहना हुआ ऐसा लगेगा। अभी ना मैंने इसको प्रॉपर सीधा नहीं किया है, लूज पहना है, तो ये ऐसा हो जा रहा है। एक तरफ के विंग्स इसके छोटे आएंगे और एक तरफ के बड़े आएंगे, तो ये ऐसे ही पहना जाएगा कि छोटे विंग में से बड़े विंग में से छोटा विंग पास होगा और ये कुछ ऐसे से बनेंगे। लेकिन देखो जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। सिर्फ 130 रुपये के ईयरिंग्स हैं और कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं ऐसे स्टड्स ईयरिंग, काफ़ी अच्छे हैं। थम्स अप देती हूँ मैं तो। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस। नेक्स्ट जो हमारे ईयरिंग है ना वो पेस्टल ग्रीन मीनाकारी चेन फ्रिंजेस वाले ईयरिंग्स हैं। और ये 200 रुपए के ईयरिंग्स हैं, लेकिन क्या क्लासी ईयरिंग्स ये मुझे लग रहे थे। और ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही मीनाकारी का ईयरिंग आया, आप देख सकते हो नीचे से चेन लटक रही है, बीच बीच में पर्ल्स हैं, और क्या ग्रीन मीनाकारी वाला वर्क हुआ हुआ है। बैक से भी आप देख सकते हो कि ये कैसा है। अब मैं इसको वियर करके भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वियर करके बैठी हूँ एक तरफ का ईयरिंग। और देखो ये कितना शीक, कितना एलिगेंट, कितना क्लासी सा ये मुझे लग रहा है। आई गेस आपको भी लग रहा होगा। लाइट वेट है, इतना हैवी वेट नहीं है। मतलब कुछ ऐसे यूनिक डिज़ाइन ही मुझे मीशो पे मिले ना, मतलब बेसिक से हट के। मैंने बेसिक झुमकी वुमकी भी मंगाई, लेकिन ऐसे भी आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, लेकिन ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा ईयर मांग टीका तो ये नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा ईयरिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और मुझे ऐसा लगता है जो मैं पहन के बैठी हूँ ना, ये इस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो जिस रीज़न से मैं इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस। जो नेक्स्ट हमारे ईयरिंग है ना, ये पैक ऑफ टू ईयरिंग है, 272 रुपीज़ के, 227 रुपीज़ के, 230 रुपये के आपको दो ईयरिंग मिलेंगे। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे कि आप अलग अलग कलर के साथ पेयर कर सकते हो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे। मैंने ग्रीन और मस्टर्ड कलर का मंगवाया है, अब देखते हैं कैसा आया। मैंने ग्रीन और पीच कलर का मंगवाया है, देखते हैं कैसा आया। 230 रुपये के गाइस ये ईयरिंग्स हैं, देखो कितने डिफरेंस लग रहे हैं ना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। सी देखो
ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, दोनों के दोनों कलर ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। 230 रुपए के हैं ये इयर रिंग्स और लाइट वेट भी लग रहे हैं और बहुत प्रिटीन का डिज़ाइन भी है। फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ। सी गाइज, आप देख सकते हो कितना इसका साइज है और ये कहाँ तक के आ रहे हैं, क्या इसकी मोतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये ग्रीन कलर मैंने इधर पहना है, पीच कलर मैंने इधर पहना है कि मैं आपको दोनों कलर दिखा सकूँ कि पीच कलर कुछ ऐसा लग रहा है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड अगेन 230 रुपये के हिसाब से क्या डील मिल रही है, थम्स अप है। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस, नेक्स्ट जो हमारे इयरिंग्स है ना वो 161 रुपीज़ के और सब कलर थे इसमें, येलो, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, मरून। तो मैंने ये रेडिश मरून कलर मंगवाया। देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना डिफरेंस है डिज़ाइन है। एंड अगेन मुझे कॉस्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 161 रुपीज़ के हिसाब से। अब मैंने इसको वियर भी किया है एक कान में, आप देखो आपकी मर्ज़ी, आप इस चीज़ को अंदर ले सकते हो यहाँ की तरफ चीक्स की तरफ, या इस चीज़ को फ्लावर को बाहर ले सकते हो। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि फ्लावर की शेप थोड़ी बाहर को। क्या कलर है, क्या डिज़ाइनिंग है और बहुत लाइट वेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं खुद को भी यहाँ मिरर में देख के ही इसको पूरा बताया कि मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए इयर रिंग्स। पूरा अब नवरात्रि शुरू है, फेस्टिव सीजन है, आप मुझे इन इयर रिंग्स को, इन सब को कुछ ना कुछ पहने हुए ज़रूर स्नैप पे, इंस्टा पे देख ही लोगे, फिर आपको आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ मैं लिटरली इन सबको वियर भी कर रही हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस, हमारे नेक्स्ट इयर रिंग्स है ना 70 रुपए के हैं, 68 रुपीज़ के। इसमें सब कलर थे, येलो, पीच, ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड और ये येलो कलर के इयर रिंग्स हैं। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत लाइट वेट हैं। एंड अगेन मैं आपको वियर करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनका येलो कलर कितना प्रिटी लग रहा है मुझे, कुछ प्रॉपर ऐसे येलो कलर की ड्रेस के साथ पहनोगे ना तो आहा हा क्या लगेंगे। और मात्र 68 रुपीज़ के इयर रिंग्स हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं थम्स अप देती हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट ने ऐसे काफ़ी सारे रिंग्स का सेट आते हैं ना ज़ारा H&M में, आपने देखा ही होगा। तो ये 250 भी नहीं है, 266 रुपीज़ का। गॉड मुझे क्या हो गया है, 226 रुपीज़ का है, 225 रुपये का ये सेट है। इसमें आपको तीन स्टड मिल रहे हैं और चार, एक दो तीन चार पाँच आपको हूप्स मिल रहे हैं। इसमें ना दो तीन कलर के ऑप्शन थे, गोल्ड, रोज़ गोल्ड और सिल्वर। मैंने सिल्वर मंगवाया है, पिक्चर में आप देख ही सकते हो। और ये है आपके सामने कुछ ऐसा सा आया और ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही है जैसा पिक्चर में दिखाया है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इन सब की, बहुत लाइट वेट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 250 रुपये का ये सेट, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, वो भी खुश हो जाएगा कि हाँ मेरे पास बहुत मल्टीपल वेराइटी के हूप्स हो गए हैं। ठीक है, और आपको एक दो तीन चार नहीं तीन ही है, तीन आपको स्टड मिल गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये सेट। मेरे पास गोल्ड ऑलरेडी था, सिल्वर नहीं था, तो मैंने सिल्वर मंगवा लिया है। ये काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो इस हॉल की लास्ट चीज़ होगी सबसे हटके। मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ वीडियो शूट करते करते। गाइस, ये 164 रुपीज़ की दो बेल्ट है, ये गोल्डन और सिल्वर। इसमें ना ऐसे ब्लैक और रोज़ गोल्ड का भी ऑप्शन था, मैंने गोल्डन सिल्वर ये बेल्ट मंगवाई है। ये काफ़ी बार एथनिक में साड़ी वगैरह के ऊपर पहनने के काम आती है, लेकिन मैंने इसको खोल के नहीं देखा था जब से ये आई हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम खोल के देख रही हूँ। ये बेल्ट है और यहाँ पे दो लास्ट में चेन लगी हुई है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से कि ये ऐसे जहाँ भी आपको पहननी होगी वहाँ आप इसको ऐसे चेन लगा सकते हो। गाइज, ये कुछ ऐसी लगेगी बंद के, मैंने बांधी नहीं है क्योंकि नेल से मुझसे दब नहीं रही है, लेकिन आप देख सकते हो आप इसको कुर्ते के ऊपर यहाँ बेल्ट में जो लगती है, और लहंगे के ऊपर, साड़ी के ऊपर पहन सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा से वो सॉफ्ट लेदर होता है ना, वैसी है, इजीली कैसे भी मुड़ जाएगी, कहीं भी इसको आप पैक कर सकते हो। मुझे सही लगा 164 रुपीज़ के आपको दो मिल रही हैं, गोल्डन और सिल्वर। तो मैंने मंगवा ली थी, तो मैंने इसको इसी में ही ज्वेलरी वाले हॉल में एड ऑन कर दिया कि मैं इनको कहाँ अलग से दिखाऊँगी आप लोगों को। सो गाइज, दैट्स इट, ये थी मेरी बहुत सारी ज्वेलरीज जो मैंने मंगवाई हैं मीशो से। मुझे तो आज का हॉल पर्सनली बहुत पसंद आया, बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें मेरी काम की। आई होप आपको मेरी चॉइसेस पसंद आएंगे, आपने मेरी चॉइसेस से रिलेट किया होगा, आपके लिए भी ये वीडियो इतनी सी तो हेल्पफुल रही होगी और आप पक्का शॉपिंग करोगे ही मेरी चॉइसेस से रिलेट होकर। और काफ़ी सारे लिंक्स, सारे ही लिंक्स काफ़ी सारे के आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जाके शॉप कर लेना तो आपको वही सेम चीज़ मिलेगी, कुछ फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। प्लीज़ 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 कमेंट्स में भर भर के मुझे ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, और मैं पहले ही बता
देती हूँ आप लोगों के लिए, मैं विंटर स्टफ, विंटर से रिलेटेड चीज़ें भी प्लान कर रही हूँ फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड मीशो दोनों से। तो स्टे ट्यून, ऐसे बने रहिए, भर भर के ढेर सारा प्यार देते रहिए मेरी वीडियो को। मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए। बहुत ही जल्द मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। ओके, बाय बाय, लव यू।